खंबागढ़ी दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत अगेन मेरे चैनल में रोहित शर्मा ट्रेनर। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कुछ हटकर के, वो है नीड असेसमेंट। कस्टमर की नीड जानकर ही उसको कोई चीज़ देते हैं, आप उसको समझते हैं अच्छे से कैसे कैसे नीड असेस करते हैं। और दोस्तों एक बार की बात है, वो डॉक्टर और मरीज आपस में मिलते हैं, मरीज कुछ बोलता नहीं और डॉक्टर उसको सवाल पूछता है, हाँ भी क्या बीमारी है? अरे ठीक ठाक है सब कुछ, पेट खराब है, गला खराब है, मुँह में छाले पड़े हैं, अल्सर है, कुछ और दिक्कत है या कोई झर्रा लगा है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आंसर ना आए तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते RMP, एक होते पढ़े लिखे डॉक्टर MBBS। दोस्तों RMP डॉक्टर दवाई दे देगा, हाँ दे देगा, चार खाकी, चार नीली, चार सफ़ेद, चार पीली, कोई गोली दे दो, या तो बोल पड़ेगा, चिल्ला पड़ेगा, या फिर बंदा काम से ही चला जाएगा। बट पढ़े लिखे डॉक्टर जो है कभी दवाई नहीं देगा, क्योंकि वो डॉक्टर जो है हमेशा डिग्री करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके समझते हैं वो क्या बीमारी है, उसको समझ के मैच करके देंगे दवाई, नहीं तो नहीं देगा, नहीं पता लगेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह क्या हम भी कौन से तरह के डॉक्टर हैं, आपको खुद सोचना पड़ेगा अपने गिरेबर में जा करके कि क्या आप भी RMP एग्जीक्यूटिव हैं या फिर MBBS। तो दोनों में से चॉइस आपकी है, बट बेटर रहेगा MBBS वाला, बड़ा लिखा बढ़िया समझ के। नीड असेस करने से पहले अगर मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कस्टमर को समझना, उसको भांपना, उसकी नीड क्या है उसको सोचना और समझ करके बातचीत करके ही समझ आ जाएगा। जैसा कि कई लोग गाड़ी बेचते हैं तो क्या जानते हैं कि उसको किस तरह की गाड़ी चाहिए, जो इंश्योरेंस बेचते हैं जानते हैं कि किस तरह की बीमा उसको सूटेबल होगा, बैंकिंग सेक्टर वाले भी जानते हैं कि फाइनेंस में किस तरह से उसको बंदे को फाइनेंस चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो नीड असेसमेंट जो है अच्छे से करनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से करनी चाहिए, कस्टमर को जानना चाहिए, उसको जानकर उसकी मैचिंग की चीज़ देनी चाहिए। एक बार मैं एक शोरूम में गया, मैंने लड़के को बोला मेरे को सिस्टर के लिए एक गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर का शोरूम था। तो कहते हैं सर आपकी गाड़ी सिस्टर के लिए तो वो ठीक रहेगा, बुलेट ठीक रहेगा। मेरा हंस हंस के हाथ खराब, मैं भाई बुलेट क्यों? कहते ठीक है बुलेट बिक रहा आजकल, दे दो उसको, वो चला लेगी, मैक्सिमम गिरी जाएगी, कोई बात नहीं फिर उठ जाए। दोस्तों अगर सिस्टर मेरी लाइट, उसका वेट कम है खुद का, बाहर संभाल नहीं सकती ज़्यादा, तो उसको कौन सी गाड़ी चाहिए? मेरे को लगता है हीरो की प्लेजर ज़रा अच्छी रहेगी। दोस्तों नीड असेस करके ही गाड़ी दीजिए, नीड असेसमेंट करने के बाद उसको निष्कर्ष निकाल के दीजिए कि मैं जैसे आपकी नीड को समझ पाया, आपकी नीड ये आंसर है, उसके आंसर के हिसाब से ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। वैसे हमें समझ आया कि नीड असेस करके बिना कोई भी चीज़ मत बेचिए, सेल्स में तरक्की करनी है तो नीड जानिए, उसके बाद ही वो चीज़ बेचिए। और शुक्रिया आपको दोबारा सुनने का मेरा, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।